समंदर विश्राम। सलामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा शहर में आज 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इस साल भारत देश 72वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। आपको बता दें कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 2 साल 11 महीने और 18 दिनों में संविधान तैयार कर राष्ट्र को समर्पित कर दिया था। 26 नवम्बर 1949 को संविधान अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, इसलिए 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। मुंब्रा पुलिस स्टेशन और जमीयतुल उलमा हिंद, स्वतंत्र पत्रकार संघ और स्कूलों में आज बड़े ही धूमधाम से गणतंत्र दिवस का पर्व मनाया गया। आपको बता दें कि मुंब्रा पुलिस स्टेशन में सीनियर इंस्पेक्टर मधुकर कड़ने तिरंगा फहराया और सलामी दी। इसी तरह से जमीयतुल उलमा हिंद के सदर मौलाना वहाब कासमी और जमीयत के तमाम मेंबरों ने सादगी के साथ नजम पढ़कर इस पर्व को मनाया और देश में अमन शांति बनी रहे, इसके लिए दुआ मांगी गई। इस गणतंत्र दिवस के मौके पर मुंब्रा पुलिस स्टेशन के सीनियर इंस्पेक्टर मधुकर कड़ और जमीयतुल उलमा हिंद के सदर मौलाना वहाब कश्मीर ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। रिपब्लिक डे की आज मेरे पुरुषों की तरफ से सभी मुंब्रा वासियों को, मेरे सभी ऑफिसर, सभी स्टाफ की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। 26 जनवरी का दिन है। इस दिन हमारे मुल्क का कानून बना और हमारे वीर जवानों ने अंग्रेज़ों को भगा करके इस मुल्क को चमकाया। हम खुशी का इजहार करते हैं और 26 जनवरी का बहुत ही ज़्यादा एहतराम करते हैं और हम अहद करते हैं कि अपने हिंदुस्तान के कानून को इसकी मजबूती से हम हिफाजत करेंगे और इस पर कभी आंच नहीं आने देंगे। और पूरे हिंदुस्तान के लोगों को हम मुबारकबाद देते हैं, ख़ासकर अपने जवानों को, अपने फौजियों को, जो इस मुल्क की हिफाजत के लिए अपनी जान को गंवा दिए हैं। और इस दिन को हम बहुत अहमियत से गुजारते हैं और इस दिन के लिए हम हमेशा इंतज़ार करते हैं और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे इस मुल्क की हिफाजत फरमाए और हमारे इस मुल्क को चार चांद लगा दे। दुश्मनों की जो भी साजिशें हैं वो हमारे मुल्क से हटा दे, ख़ासकर चीन, पाकिस्तान और जो लोग भी हमारे मुल्क के तहत के लिए साजिश कर रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनके इरादों को नेस्त नाबूद कर दे और अपने मुल्क को खूब तरक्की दे। वहीं स्वतंत्र पत्रकार संघ ने भी तिरंगा फहराकर बच्चों में मिठाइयां बांटी और नाच गुलंदाज को भी सम्मानित किया गया। इसी तरह से शील फाटा के मुनीर कंपाउंड में अशरफी इंग्लिश स्कूल में तिरंगा फहराया गया और बच्चों को केक चॉकलेट बांटी गई। गणतंत्र दिवस के मौके पर स्कूल की प्रिंसिपल तमन्ना अशरफी ने कहा है कि कोरोना काल की वजह से जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई नहीं कर सकते हैं उन्हें इस अशरफी स्कूल में उनकी मदद की जाएगी और वो इस स्कूल में आकर ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं। रेडी। अस्सलाम वालेकुम, मैं तमन्ना खान, अशरफी इंग्लिश स्कूल प्रिंसिपल। प्रहार टाइम के माध्यम से सबको ये बताना चाहती हूँ, आज के दिन 26 जनवरी के दिन, रिपब्लिक के दिन, हम सब टीचरों की तरफ से एक मैसेज दिया जा रहा है यहाँ के पेरेंट्स को और स्टूडेंट्स को कि जिन किसी को भी कुछ इश्यू है घर पर ऑनलाइन स्टडी करने में, तो यहाँ आकर वो ऑनलाइन स्टडी कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। सिर्फ 1 आवर यहाँ पे बैठना है और लेक्चर लेना है और हमारे जो टीचर्स हैं वो उनको गाइड करेंगे कैसे ऑनलाइन पढ़ाई की जाती है, क्योंकि कुछ कुछ बच्चे और पेरेंट्स हैं जो जिनके घर पर वाईफाई अवेलेबल नहीं है, तो हमारे स्कूल में वाईफाई है, कंप्यूटर्स है। वहीं उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में भी गणतंत्र दिवस पुलिस लाइन में बड़ी ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मुख्य अतिथि के रूप में बीजेपी के स्वतंत्र
देव सिंह रहे और DIG डॉक्टर राकेश सिंह, पुलिस अधीक्षक शैलेश कुमार पांडे, नगर कोतवाल आलोक राव, अन्य प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे। स्कूली बच्चों ने मनमोहक झांकियां निकाल कर सबका दिल जीत लिया। गणतंत्र दिवस के अवसर पर गोंडा पुलिस के माध्यम से यहां पर परेड था, परेड के लिए सलामी लेने आया था और बहुत अद्भुत यहां पर प्रदर्शन हुआ और बड़ी खुशी हुई कि कोरोना काल के बावजूद भी बहुत अच्छी तैयारी गोंडा पुलिस ने की है। सभी गोंडा के निवासियों को, प्रदेश के सभी नागरिकों को आज गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं।